हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को देखना था क्या एसएपी नेविगेशन में आज थर्ड पार्ट जैसा कि कवर किया जाएगा। हम लोगों ने एसएपी नेविगेशन में इंट्रोडक्शन सीख लिया था, फेवरेट्स मेनू भी कवर कर लिया था। आज हम लोग एक्स्ट्रास पे जाएंगे। एक्स्ट्रा मेनू में क्या है, चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहले तो इसे लॉग इन करेंगे। लॉग इन ऑलरेडी मेरा हो रखा है एसएपी लॉग इन, जैसे कि हम लोग एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं। इसमें चार ऑप्शन आपको मिलते हैं, डिस्प्ले डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल डिटेल्स, सेटिंग और सेट स्टार्ट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, सेटिंग। सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन नहीं, जैसा कि हम लोग अगेन लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं, डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स। तो डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स का मतलब क्या होता है, जैसे समझिएगा। टेक्निकल नेम मतलब जैसे लाइक टी कोड, हम लोग ने पीछे हमने आपको समझाया था टी कोड। टी कोड अगर आपको देखना है तो किसी भी मेनू में अगर जाएंगे आप तो आपको बहुत सारे टी कोड्स मिलते हैं। जैसे मास्टर रिकॉर्ड्स में सपोज करिए जीएल क्रिएट करना है, जर्नलिज्म। अब देखिए यहाँ पे टी कोड्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन अगर सिस्टम में जाके कई बार होता है टी कोड्स यहाँ नहीं दिखता है। टी कोड्स क्यों नहीं दिखता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। यहाँ एक्स्ट्राज में अगर जाएंगे सेटिंग में, अगर यहाँ पे किसी ने डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स को अगर ऑफ कर रखा है और एंटर कर दिया, अब देखिए कहीं भी हमें टी कोड नहीं दिखेगा। ट्रांजेक्शन दिखेगा बट टी कोड्स उसका नहीं शो होगा। नाउ देखिए सेंट्रली, अब यहाँ देखिए टी कोड नहीं शो कर रहा है। इवन जो ऊपर हम लोगों ने फेवरेट बनाया था उसका भी टी कोड यहाँ से गायब हो गया। तो इसको लाने के लिए सिस्टम सॉरी एक्स्ट्रा में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले टेक्निकल नेम को ऑन कर लेंगे। ऑन करते ही देखिए हर जगह, इवन ऊपर जो फेवरेट्स बनाया था उसमें भी टी कोड्स आ गए। और आपको यकीन हो ही गया होगा कि यहाँ पे भी टी कोड आ गया होगा। तो जनरल लेजर में हम लोग चेक करते हैं, जनरल लेजर में हम लोग देखते हैं मास्टर रिकॉर्ड्स में जीएल इंडिविजुअल प्रोसेसिंग। अब देखिए सारे डी कोड्स आ गए। सो ये था हम लोग का पहला ऑप्शन आज का। अब सेटिंग में अगर हम लोग जाएं, यहाँ पे है क्या, डू नॉट डिस्प्ले पिक्चर। डिस्प्ले पिक्चर के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। डिस्प्ले पिक्चर के बारे में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक ट्रेनिंग सर्वर पे काम कर रहे हैं, IDES SAP का ट्रेनिंग सर्वर है। तो यहाँ पे IDES का एक पिक्चर यहाँ पे शो करता है, फिलहाल शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नॉर्मली वो हमेशा आता है, अगर वो आ रहा है, अगर हम नहीं चाहते हैं वो IDES सिस्टम यहाँ शो करे, वो पिक्चर यहाँ शो करे, तो डू नॉट डिस्प्ले पिक्चर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं हम लोग। और जैसे ही ये डू नॉट शो पे करेंगे वो यहाँ से गायब हो जाता है। अब बात करते हैं कि तीसरे ऑप्शन की, डू नॉट डिस्प्ले मेनू, ओनली डिस्प्ले फेवरेट्स। अगर इस पर टिक करेंगे तो SAP मेनू हमारा यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे SAP मेनू शो कर रहा है और फेवरेट, दो चीज़ें शो कर रही है। अगर हमने मेनू को डू नॉट डिस्प्ले कर दिया तो SAP मेनू यहाँ से गायब हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ फेवरेट शो होगा। फिर एक्स्ट्राज में जाते हैं, सेटिंग में हम चाहते नहीं, हमें SAP मेनू चाहिए थे तो SAP मेनू दिखने लगा। अब हम चाहते हैं SAP मेनू को ऊपर और फेवरेट्स को नीचे रखने के लिए, तो अगेन एक्स्ट्राज में जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं और इस बार हम लोग को क्या करना है, डिस्प्ले फेवरेट एट एंड ऑफ द लिस्ट। एंड ऑफ लिस्ट आने लगा और ऊपर हमारा SAP मेनू आने लगा। तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा में आपको सेटिंग की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई होगी, और सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स है। तो ये कोशिश करेगा कि जब भी आप SAP पे काम कर रहे हो ये चीज़ ऑन रहे। ओके नाउ नेक्स्ट, एक्स्ट्राज में ही होता है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या है, वो है टेक्निकल डिटेल्स। टेक्निकल डिटेल्स जस्ट लाइक अगर हमने किसी टी कोड को हमने सेलेक्ट किया, जस्ट लाइक FS00, इसका टेक्निकल डिटेल। हालांकि यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स हमें सामने दिख रहा है, फिर भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए सिर्फ लिखा है FS00 सेंट्रली, बट यहाँ पे देखिए टेक्निकल डिटेल्स पूरा आ रहा है। पहला तो इसका ट्रांजेक्शन कोड है FS00 और दूसरा GL अकाउंट मास्टर रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो इसका पूरा डिटेल्स आ गया, यानी कि अगर सपोज करिए कल को सेटिंग हम ऑफ रखे हुए हैं, यहाँ से टेक्निकल डिटेल्स हम नहीं देख रहे हैं और हम चाहते हैं यहाँ पे किसी भी टी कोड का टेक्निकल डिटेल देखना, किसी भी ट्रांजेक्शन का सॉरी, ये देखिए ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी कोड नहीं शो कर रहा है, एक्स्ट्राज में जाके टेक्निकल डिटेल्स में हम देख सकते हैं, तो तुरंत यहाँ से भी टिकट उसका पर्टिकुलर दिखा देगा, इवन एरिया मेनू भी दिखा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट आप अगर हम बात करें क्या, टेक्निकल डिटेल्स भी है, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। शॉर्टकट भी है शिफ्ट 11, ये भी आप प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या, हम लोग जस्ट लाइक
अगर हम लोग बात करते हैं क्या इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ नहीं है, कुछ हमने अपनी तरफ से कॉन्फ़िगर किया नहीं, तो इसमें कोई स्टेट डॉक्यूमेंटेशन शो नहीं करेगा। लेकिन याद होगा आप लोगों का, हमने फेवरेट बनाया था किसका, एक एक्सेल की फाइल का, और एक पिछले वीडियो में आप लोग इसको देख सकते हैं, वीडियो का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें आपको ये दिख जाएगा कि हमने एक्सेल और किस तरीके से जीएसटी पोर्टल यानी वेबसाइट को हमने सीधे यहाँ से लिंक कर दिया, यानी फेवरेट क्रिएट किया है। तो इसका इसको क्रिएट करने के लिए हमने कुछ फीडिंग की थी, वो सब अगर चेक करना है तो एक्स्ट्रा में जाके डॉक्यूमेंट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में आप जाके देख सकते हैं जीएसटी पोर्टल, और आपने ये पोर्टल का यूआरएल अपने यहाँ पे सेट किया हुआ है, इसका भी चेक करना चाहते हैं एक्स्ट्राज में डिस्प्ले डॉक्यूमेंटेशन में आपने ये मेंटेन किया था यूजर्स के अंदर डेस्कटॉप के अंदर ये फॉर्मेट नाम से ये एक्सेल फाइल इससे लिंक है। तो एक्स्ट्राज में हमने ये तीनों ऑप्शन हमने आपको बता दिया। लास्ट है सेट स्टार्ट ट्रांजेक्शन। सेट स्टार्ट ट्रांजेक्शन होता क्या है पहले इसको समझते हैं। स्टार्ट ट्रांजेक्शन जस्ट लाइक हम लोग SAP पे लॉगिन कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा जो होता है, जस्ट लाइक हमारा सबसे पहला ट्रांजेक्शन होता है क्या, मान लीजिए परचेज रिक्वजिशन, परचेज रिक्वजिशन होता है ME 51N। देखते हैं, ओके दिस इज द क्रिएट परचेज रिक्वजिशन। सबसे पहला हम लोग की परचेज रिक्वजिशन ही करना होता है, हम जब भी हम आते हैं सबसे पहले हमें परचेज रिक्वजिशन डालना होता है। सपोज करिए अब अगर हमें ये परचेज रिक्वजिशन डालना है और हमको पता है कि हम सबसे पहले ये काम करना है, हम कल को इधर से उधर ना जाएं, कोई और काम ना करने लगे, तो इसके लिए आप चाहते हैं कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन में हम इसको सेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जाएंगे सेट स्टार्ट ट्रांजेक्शन, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं सेट है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ME 51N और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, सेट स्टार्ट ट्रांजेक्शन में सेट कर दिया। अब अगर मैं इसे क्लोज करूँ और फिर से इसे रीओपन करूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ पे आपको तुरंत क्या दिखेगा, सीधे के सीधे आप ME 21N पे स्टार्ट आप हो जाओगे। इसको दिखाते हैं हम लोग, इसको पहले लॉग ऑफ कर देते हैं। सिस्टम में जाके हम लोग लॉग ऑफ कर दे रहे हैं। ओके अब जब दोबारा इसको हम लॉग इन करेंगे दोबारा जब इसको लॉग इन करेंगे अब देखिए जैसे हमने इसको लॉग इन किया SAP मेनू नहीं दिख रही, सीधे हम लोग आ गए हैं परचेज रिक्वजिशन पे लॉग इन करते ही। अब हमें अगर ये काम कर लिया फिर अगर वापस हमें SAP मेनू चाहिए थे हमें क्लोज करना होगा, देखिए SAP मेनू फिर आया, यानी विंडो खुलते ही सबसे पहले स्टार्ट ट्रांजेक्शन में हमारा चूंकि सेट है तो आ गया। अब हम एक्स्ट्रा में जाके सेट स्टार्ट ट्रांजेक्शन को यहाँ से चाहे तो डिलीट कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करना, हमें सेट स्टार्ट ट्रांजेक्शन यूज़ नहीं करना। अब अगर हम जब जैसे ही लॉग इन करेंगे तो फर्स्ट स्क्रीन हमारी ये खुलेगी, ना कि फर्स्ट स्क्रीन हमारी ME 21 है। अगर आप सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं नहीं करें। तो ये था एक्स्ट्रास मेनू। SAP नेविगेशन में मैंने आपको फेवरेट कवर करा दिया पूरा कंप्लीट, पिछले वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं, और आज एक्स्ट्रास मेनू हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिट की, जैसे कि आपको ये इस लिस्ट मैंने बताया एडिट। नेक्स्ट फिर मेनू डिस्कस करेंगे, मेनू में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इवन एडिट में भी छोटी छोटी चीज़ें, ये दोनों हम लोग एक ही वीडियो में चेक करने वाले हैं। ओके और इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है सिस्टम एंड F1। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।